क्रिसमस स्पेशल केक बनाने की सोच रहे हैं, तो चलिए आज हम साथ में बनाते हैं क्रिसमस स्पेशल प्लम केक ड्राई फ्रूट्स और मसालों के साथ। तो वेलकम बैक टू माय चैनल सीमाज फूड स्टेशन। तो प्लम केक बनाने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं कि ड्राई फ्रूट्स को सोक करते हैं। तो एक बाउल ले लेंगे और इसमें हम ऐड करेंगे सारे ड्राई फ्रूट्स। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं ऐड कर रही हूँ बादाम, जिसे हमने इस तरह से बारीक चॉप कर लिया है, और इसी के साथ इसमें ऐड कर देंगे हम किशमिश। तो यहाँ मैं ग्रीन वाला किशमिश यूज कर रही हूँ, आप चाहें तो ग्रीन वाले किशमिश के साथ साथ ब्लैक वाला किशमिश भी इसमें ऐड कर सकते हैं। और इसी के साथ इसमें ऐड कर देंगे काजू, इसे भी हमने चॉप करके इसमें ऐड करेंगे। और इसी के साथ इसमें ऐड कर देंगे पिस्ता, पिस्ता को भी हम कट कर लिए हैं तो इसे भी इसमें ऐड कर देंगे। और साथ में ऐड करेंगे हम एप्रिकॉन, इसे भी हमने इस तरह से कट कर लिया है और इसे इसमें ऐड कर देंगे। और साथ में ऐड कर देंगे अंजीर, तो यहाँ पर हम दो अंजीर को इस तरह से बारीक चॉप कर लिए हैं और इसे भी बाकी ड्राई फ्रूट्स के साथ हम ऐड कर देंगे। और साथ में ऐड कर देंगे टूटी फूटी, आप चाहें तो इसमें ड्राई स्ट्रॉबेरी ऐड कर सकते हैं, चेरी ऐड कर सकते हैं, आपको जो भी पसंद है इसमें ऐड कर दें। एक बार इन सारी चीज़ों को हम एक बार मिला लेंगे और अब इसमें ऐड करेंगे जूस। तो यहाँ पर मैं यूज़ कर रही हूँ मिक्स जूस, आपको जो पसंद है एप्पल, ऑरेंज, ग्रेप्स, कोई भी जूस उसे इसमें ऐड कर दें इस तरह से। और जूस ऐड करने के बाद एक बार इसे मिला लेंगे, और जूस बहुत ज़्यादा ऐड नहीं करेंगे, बस इतना ऐड करेंगे कि सारे ड्राई फ्रूट्स अच्छे से उसमें सोख हो जाएं। तो इसे हम अब 3 से 4 घंटे के लिए रेस्ट करने के लिए रखते हैं ताकि अच्छे से सारे ड्राई फ्रूट्स सोख हो जाएं। तब तक चलते हैं नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ। तो नेक्स्ट प्रोसेस में हम यहाँ एक पैन ले लेंगे, गैस की फ्लेम को बिल्कुल लो रखेंगे और इसके ऊपर हम इस तरह से चीनी ऐड कर देंगे, यानी पैन में हम चीनी डाल देंगे और चारों तरफ फैला लेंगे इस तरह से चारों तरफ फैला लेंगे। गैस के फ्लेम को बिल्कुल लो रखेंगे और यहाँ पर हम क्या करेंगे कि चीनी को खुद से मेल्ट होने देंगे, इसे बीच में एक बार भी टच नहीं करेंगे, खुद से मेल्ट होने देंगे। यहाँ पर आप देख रहे हैं धीरे धीरे चीनी मेल्ट हो रहा है, यानी कि चीनी को हम कैरमलाइज करेंगे। बिल्कुल बाजार वाला टेस्ट और बाजार वाला कलर लाने के लिए प्लम केक में हम चीनी को इस तरह से कैरमलाइज करेंगे। जब चीनी मेल्ट हो जाए तब इसे हम इस तरह से एक बार मिला लेंगे, गैस के फ्लेम को इस स्टेज में हम बंद कर देंगे और बंद गैस के फ्लेम के ऊपर ही चीनी को इस तरह से मिला लेंगे। और अब क्या करेंगे, इसमें आधा कप हम पानी ऐड करेंगे और इसे इस तरह से हम मिलाएंगे, गैस के फ्लेम को फिर से ऑन करेंगे लेकिन बिल्कुल लो रखेंगे और लो फ्लेम पर इस तरह से चलाते हुए चीनी को पानी में मेल्ट कर लेंगे। तो आप देख सकते हैं कितना बढ़िया कलर आया हुआ है। तो धीरे धीरे चलाते हुए इसे इसी तरह हम मेल्ट कर लेंगे ताकि बिल्कुल बाजार वाला कलर आए। आप इसके जगह पर ब्राउन शुगर भी पीस कर यूज़ कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं चीनी अच्छे से मेल्ट हो चुका है। तो इस स्टेज पर क्या करेंगे, गैस के फ्लेम को हम बंद कर देंगे और इसे हम थोड़ा सा और चला लेंगे और अब इसे रेस्ट करने के लिए रखेंगे ताकि ये ठंडा हो जाए। तब तक चलते हैं नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ। तो यहाँ पर हम एक बाउल ले लेंगे, इसके ऊपर छन्नी रख देंगे और जितने भी हमारे ड्राई इंग्रेडिएंट्स हैं उसे हम छान लेंगे। तो सबसे पहले इसमें ऐड करेंगे मैदा, तो यहाँ मैं 200 ग्राम मैदा ऐड कर रही हूँ और इसी के साथ इसमें ऐड कर देंगे हम 3 बड़ा चम्मच मिल्क पाउडर। आप इसे स्किप नहीं कीजिएगा, इसे टेस्ट बहुत अच्छा आता है, तो इसे भी हम इसमें ऐड कर देंगे। और इसी के साथ इसमें ऐड करेंगे हम 1 चम्मच कोको पाउडर, ये कंपलसरी नहीं है, आपके पास है तो ऐड कर दें अन्यथा इसे स्किप कर सकते हैं। और इसी के साथ इसमें ऐड कर देंगे हम 1 चम्मच बेकिंग पाउडर, यानी एक चाय की चम्मच, छोटी वाली जो चम्मच नहीं होती है उसी से हम बेकिंग पाउडर इसमें ऐड करेंगे। और 2 पिंच यानी बेकिंग पाउडर के आधा हम इसमें ऐड करेंगे बेकिंग सोडा। और अब इसमें ऐड करेंगे कुछ मसाले, तो 1 छोटी चम्मच इसमें हम सौंठ के पाउडर यानी अदरक का पाउडर ऐड करेंगे और साथ में ऐड करेंगे 1 छोटी चम्मच दालचीनी, लौंग और जायफर का पाउडर, तो इसे भी इसमें ऐड कर दें। इसमें से जो भी मसाले आपके पास नहीं है उसे आप स्किप कर सकते हैं। और इसे हम इस तरह से छान लेंगे ताकि कोई भी गुठली नहीं रहे और ये बिल्कुल फ्लफी बने। और इस तरह से हम दबाते हुए जो भी है उसे अच्छे से छान लेंगे। छानने के बाद इन सारी चीज़ों को एक बार अच्छे से मिला लेंगे हल्के हाथ से। तो इस तरह सारी चीज़ों को हम मिला लेंगे और इसे हम साइड में रखते हैं और चलते हैं नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ। तो नेक्स्ट प्रोसेस में हम फिर से एक बाउल ले लेंगे
और इसमें ऐड करेंगे 50 ml यानी 50 ग्राम रिफाइंड ऑयल, और इसी के साथ इसमें ऐड करेंगे 50 ml यानी कि जितना रिफाइंड हम लिए थे उतना ही हम दूध इसमें ऐड कर देंगे, और साथ में ऐड कर देंगे 1 चम्मच वेनिला एसेंस, और इन सारी चीज़ों को हम अच्छे से मिला लेंगे ताकि सारी चीज़ें अच्छे से मिल जाए। तो इस तरह से हम मिलाएंगे और आप यहाँ देख सकते हैं ये बिल्कुल आपस में मिल चुकी है और एकदम क्रीमी टेक्सचर हो चुका है। तो इसी स्टेज पे इस ऐड करेंगे अपने ड्राई इंग्रेडिएंट्स जिसे हमने छान के रखा था, मैदा, बेकिंग पाउडर वगैरह, उसे ऐड करके इसे हल्के हाथ से इस तरह से मिला लेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हम मिला लिए हुए हैं, और अब इसमें ऐड करेंगे कैरमलाइज किया हुआ चीनी जिसे हमने मेल्ट किया था चीनी को, तो इसे थोड़ा थोड़ा ऐड करके हल्के हाथ से इस तरह से इसे मिलाते जाएंगे, और फिर से बाकी जो बचा हुआ है उसे ऐड कर देंगे। तो ऐड करके फिर से हम हल्के हाथ से इसे मिला लेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं केक के बैटर को हम अच्छे से मिला लिए हैं कैरमलाइज किया हुआ चीनी ऐड करने के बाद, और अब इसमें ऐड करेंगे ड्राई फ्रूट्स जिसे हमने सोक करके रखा था, तो इसे इसमें ऐड कर देंगे, इसके जूस के साथ सारे ड्राई फ्रूट्स को इसमें ऐड कर देंगे इस तरह से, सारे जूस भी इसमें ऐड कर देंगे, और फिर से इसे हल्के हाथ से अच्छे से मिला लेंगे। तो इस तरह से हल्के हाथ से मिलाएंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ड्राई फ्रूट्स मिला के केक के बैटर को हम तैयार कर लिए हैं, और ये आप देख सकते हैं बाकी केक के बैटर की तरह नहीं है, उसे ये गाढ़ा है क्योंकि हम ड्राई फ्रूट्स इसमें ऐड किए हैं, तो इसे हम गाढ़ा ही रखेंगे, नहीं तो जब आप बेक करेंगे तो सारे ड्राई फ्रूट्स नीचे बैठ जाएंगे। तो चलिए केक का बैटर तैयार है, इसे अब केक टिन में ऐड करते हैं, लेकिन उसके पहले केक टिन को हम इस तरह से थोड़ा सा रिफाइंड या बटर डाल के चारों तरफ फैला लेंगे, अच्छे से ग्रीस कर देंगे। अच्छे से ग्रीस करने के बाद इसमें बटर पेपर लगा देंगे इस तरह। अगर आप बटर पेपर नहीं लगाना चाहते तो इसे आप मैदा से भी डस्ट कर सकते हैं, और बटर पेपर लगाने के बाद फिर से इसे इस तरह से ब्रश से अच्छे से ग्रीस कर देंगे। तो चारों तरफ अच्छे से ग्रीस करने के बाद अब इसके सेंटर में इस तरह से केक के बैटर को हम ऐड करेंगे। केक टिन में केक के बैटर को ऐड करने के बाद अब क्या करेंगे, इसे 2 से 3 बार इस तरह से टैप करेंगे, और 2 से 3 बार इसे इस तरह से हम शेक करेंगे। तो यहाँ केक टिन में हम केक के बैटर को ऐड कर दिए हैं, तो इसे ऊपर से थोड़ा सा डेकोरेट हम कर दे रहे हैं, तो इस तरह से काजू से इसे हम ऊपर से सजा दे रहे हैं। आप चाहे तो कोई और ड्राई फ्रूट से इसे सजा दें, और थोड़ा सा किशमिश ऐड करने के बाद इसके ऊपर हम थोड़ा सा टूटी फूटी ऐड कर देंगे ताकि जब ये बेक हो तो बहुत खूबसूरत लगे। तो यहाँ पर बेक करने के लिए हम कढ़ाई ले लेंगे और उसमें स्टैंड रख देंगे, और इसे ढक के हम 5 मिनट प्रीहीट कर लेंगे। तो केक का बैटर तैयार करने के पहले इसे हम प्रीहीट कर लेंगे। यहाँ पर हम 5 मिनट इसे प्रीहीट कर लिए हैं, और अब इसका ढक्कन हटाएंगे। तो आप देख सकते हैं ये अच्छे से प्रीहीट हो चुका है, तो इसमें केक के बैटर को केक टिन के साथ हम ऐड कर देंगे इस तरह हाथ को बचाते हुए, क्योंकि ये बहुत गर्म है, और फिर से इसके ऊपर हम ढक्कन लगा देंगे। लेकिन आप देख सकते हैं कितना सुंदर लग रहा है ऊपर से ड्राई फ्रूट सजाने के कारण, और ढक्कन लगा के इसे 30 से 35 मिनट अच्छे से बेक करेंगे बिल्कुल लो फ्लेम पर। उसे थोड़ा ज़्यादा टाइम भी लग सकता है या थोड़ा कम भी लग सकता है, लेकिन 30 मिनट तक इसे हम नहीं खोलेंगे, 30 मिनट बाद ही एक बार खोलकर इसे चेक करेंगे। तो 30 मिनट बाद इस तरह से ढक्कन हटा के हम चेक करेंगे, लेकिन यहाँ पर अभी ये थोड़ा सा गीला है यहाँ पर, तो फिर से ढक्कन लगा के इसे 10 मिनट और हम बेक करेंगे। 10 मिनट बाद फिर से हम ढक्कन हटाएंगे इसका, यानी टोटल 40 मिनट हो चुका है। तो 40 मिनट बाद दोबारा से हम ढक्कन हटाएंगे, और यहाँ पर नाइफ डाल के हम चेक कर ले रहे हैं। आप देख सकते हैं नाइफ बिल्कुल क्लीन है, यानी कि एक अच्छे से बेक हो चुका है। तो अब इसे हम बाहर निकालते हैं और ठंडा करते हैं, ठंडा करने के बाद इसे डिमोल्ड करेंगे। तो केक को हम
बाहर निकाल लिए हैं और ठंडा कर लिया, और आप देख सकते हैं कितना बढ़िया कलर आया हुआ है, और ड्राई फ्रूट से सजाने के कारण ये और भी सुंदर लग रहा है। अब इसे हम इस तरह से केक टिन से बाहर निकाल लेंगे और आपको हम इसे कट करके दिखा रहे हैं कि कितने अच्छे से ड्राई फ्रूट चारों तरफ फैला हुआ है अंदर में। तो देखिए कितने अच्छे से ड्राई फ्रूट्स पूरे केक में फैला हुआ, एक जगह नहीं है बल्कि पूरे केक में है। तो अगर आपको हमारी रेसिपी पसंद आई तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए फॉर इंस्टेंट नोटिफिकेशन। और देखिए कितना फ्लफी बना हुआ है, एकदम सॉफ्ट।